गाइस, तो ये मेरे पतिदेव हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत क्यूट से मेरे पतिदेव हैं। पहली बात तो मैं अच्छे लगे या ना लगे बदल थोड़ा जाएंगे। बाबू आप मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है। जो पत्नी को क्या चाहिए, पति उसकी हर डिमांड पूरी करे, पति हर इच्छा पूरी करे, पत्नी कितना भी सुनाए पति चुपचाप सुने, जो कि मेरे बाबू में सारी क्वालिटी है, तो मुझे मेरा पति बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये समय व्यतीत होता तब इंसान को सीख जाता है वो। मैं भी सीख गया, पहले मैं बहुत लड़ाई करता था। हाँ। फिर मैंने सोचा कि लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ। जो इंसान पत्नी को जितना ज्यादा सुने और चुप रह के और हाँ हाँ वो तरक्की करता है। तरक्की? हाँ। अरे यार कलेश ही स्टार्ट ना हो है, तो ये आपने सीख लिया। लेकिन बाबू जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने आपको देखा था, आप एकदम हीरो लगते थे, आपके बालों बाल थे घने घने से, वो बाल कहाँ चले गए मैं जानना चाहती हूँ। बाल तो अभी छोटे तो करवाए थे। नहीं, वो घने वाले लटे निकलती थी, वो लटे कहाँ चली गई है। क्या आप मेरे साथ शादी करके दुखी है? नहीं, वक्त के साथ सबके हो जाता है। तो नए नए बच्चों के बाल एकदम सफेद हो जाते हैं, झड़ रहे हैं, तुम्हारे भी सफेद हो गए, तो उससे ये कोई तो मैं बीच में कहाँ से आती हूँ? नहीं बाप, नहीं, नहीं, नहीं मैं बीच में कहाँ से आती हूँ? किसने कहा मेरे सफेद बाल है? मेरे तो बिल्कुल सफेद बाल नहीं है। अच्छा, हाँ झूठ मत बोला करो, ऑडियंस को बुद्धू बनाते हो। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं बताइए जरा। मैं जा रहा हूँ हाँ। छोटी वाली की होटल देखने, बाकी देखे बेचारी को जन्मदिन मनवा दे पे बच्चे को। हाँ। पर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ चलूंगा फिरोजाबाद। हाँ। तो फिरोजाबाद में कोटेशन बनवा लाऊं गाड़ी की, एक थार की, एक फॉर्च्यूनर की, एक बीएमडब्ल्यू की। मैं गलत फहमी हूँ? तुम्हारे पास क्या है? इसके बड़े भाई की। इसकी बड़ा भाई कौन सा है? बटारा ब्रिजा की। अच्छा, कोटेशन, ओके ओके डन सर। तो सर क्या आप मेरा कैमरा पकड़ेंगे, मैं भी अपनी शक्ल दिखा दूं अपनी ऑडियंस। अरे यूं करके किया करो, यूं कर लिया करो, तुम्हारी शक्ल दिख गई। ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हमारे Facebook पे। तो आए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बहुत सारा प्यार दें। तो अभी हम जा रहे हैं गेस्ट हाउस देखने। खैर हम इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा कर रहे हैं, 20-25 लोगों का फैमिली, लेकिन घर में नहीं हो सकता है, तो छोटा सा हम गेस्ट हाउस देखने जा रहे हैं। कैसा लगता है बर्थडे, कैसा सेलिब्रेट होता है, देखना जरूर जरूर, आप लोग हमारे साथ रहना। और जो हम अपनी बेटी की शॉपिंग करके लाए हैं वो भी आज आपको दिखाएंगे, आज ब्लॉग उसका, आज ब्लॉग गारंटेड हम लाइव कर देंगे। तो ब्लॉग देखना, ये अपनी स्विफ्ट कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी। ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि दहेज की है ना। अब मोती आ गया। तो हम होटल बुक कर आए हैं और वो 23 तारीख को आपको पता चलेगा कि हम अपना बर्थडे कैसे कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल सा बर्थडे है, हमारा बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, नॉर्मल सा कर रहे हैं, कोई बड़ा शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है। और अब शो ऑफ हुआ कहाँ से, पैसा होता ही तो शो ऑफ हुआ। इस आदमी को गाड़ी से उतारो। गाड़ी मेरी है, इस आदमी को गाड़ी से उतारो। और तेरी तो स्प्लेंडर है। यस, और ये पीछे वाला आदमी कैसे बैठा हुआ है यार। तो हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी, अब हम थार देखने जा रहे हैं। थार भैया बिटारा लेंगे, बिटारा केबल बिटारा, सीएनजी वाली। हां सीएनजी वाली। कह रहे जिस जोमेटो वाले को गाड़ी से उतारो, जोमेटो वाले को गाड़ी से उतारो, डिलीवरी बॉय निकलो। मैडम ड्राइव कौन करेगा? मैडम कौन जी, वो लग रहे हैं बेबा, वो कौन लग रहे हैं? नहीं जोमेटो नहीं लग रहे, वो कैश वो होता नहीं है जो घर घर साफ सफाई करने जाते हैं, वो कौन जाते हैं? कैप एप लगा के क्या रहा है उनका? साफ करो, कैश करो। अब बोला ना, बोला बोला। तो अब हम धारा बिटारा देखने या फिर हम धार देखने, अब कौन सी आती है वो तो आप ही लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, किसकी वोटिंग ज्यादा होती है। कमेंट्स में वोट कर देना कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फिलहाल तो हम देखने ही जा रहे हैं, आगे तो भगवान जाने। सकूराबाद से आए, बस सकूराबाद तो फिरोजाबाद आए के खान लगे। यहाँ पे हम आए सिर्फ सुकावाद से और फिरोजाबाद पे आते ही भूख लगने लगी। भगवान, इतने भुखेड़े हैं कि घर से खा के नहीं आए थे। समझ में आ गई?
बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ये लेकिन वो हो रहा है मेरा पीछे से ही आ रही है लाइटिंग आ रही है, देखो बी कॉन्फिडेंट लाइटिंग आ रही है। इसका क्या है ये बता दो। 5 हम कार देखने आ रहे हैं। वो भैया यूं पकड़े भैया, थोड़ा सा पकड़ें। गाड़ी दिखा, मुझे दिखा दे। इंजन की वजह से कर दिया होगा। हाँ वो जो है जब अगर धीमे धीमे करके डीजल बंद हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, क्या चाहे ऐसे क्या, तो इसलिए मारुति ने बंद कर दिया। आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी ये दो चीज़ें। उसमें डिग्गी वैसे कितनी सी बैठी, डिग्गी से कंपेटिटिव डिग्गी निरी बड़ी है, क्या बड़ी है मैं सोचती तो, है तो तार में तो इतनी उड़ा है, तार में इतनी होगी बस। भैया तुम थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना सीखो का यार, गर्मी कितनी दिन में यार टोयोटा पोयटन में ऐसे ही मैं पकड़े हो, तुम जो पकड़े नैनो ले लो, नैनो नैनो तो पूरी होती है, मोनरो की होता है आपका, बाकी एलॉय व्हील्स का काम बढ़ जाता है, बैक वाइपर हो जाता है, तो बाकी सेम ही गाड़ी है आपकी। हाँ स्टार्ट बटन, सनरूफ है ना, और क्या कहते हैं इसमें आपके सनरूफ वाले बटन, और एक क्या कहते हैं भैया ये है विटारा ब्रेजा, लुक दिस दिस लुक। उसके अप्रॉक्स में है 12 लाख की गाड़ी है, और आपके अगर उसमें जाओगे क्या कहते हैं जेड एक्स मॉडल ले तो 13,30,000 की है सर। आपको 1,30,000 13,30,000 हाँ वही बता रहे हैं। ओके गाड़ी देख रही हूँ, 11,14,442 की आपकी एक्सटर्नल प्राइस है, गाड़ी की कीमत 24,650 रुपये, आपकी 5th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, 5 साल या 1,00,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी का इंजन, तो हम आ चुके हैं थके हारे। हम गए थे जैसा कि हमने बताया, हम गाड़ी देखने गए थे, थार देखने गए थे, विटारा देखने गए थे, तो थार की एजेंसी बंद थी क्योंकि संडे था, तो एजेंसी बंद थी, तो हम विटारा देख के आए जो कि हमें ठीक ठीक लगी। वो हम आपने नहीं दी, वो ब्रीजा थी, ब्रेजा ब्रेजा थी, हाँ ठीक है ओके बाय मिस्टेक, ब्रेजा थी मेरे मुंह से बिटारे बिटारा क्यों निकलती है हमेशा, उसका नाम था ना बिटारा, हाँ तो वही मेरे मुंह से निकलता है वो। तो हमारे पति देव गए, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मैं अपनी मम्मी के घर चली गई जो कि फ़ोन लेके नहीं गई थी, फिर मम्मी घर से आने के बाद अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे अपने पति देव के लिए खाना बनाना है। तो पति देव का टास्क है कि मेरे पति देव मुझे खाना बना के खिलाए, क्योंकि कभी टास्क पूरा नहीं करेंगे। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर आप हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे तो हम आपके लिए रोज ब्लॉग लाते रहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे।